आजादी से पहले जुर्म की दास्तानों की कई यादें आज भी रुद्रप्रयाग जनपद में मौजूद हैं। चाहे ककोड़ा खाल की कुली बेगार प्रथा हो या फिर तत्कालीन देवलगढ़ परगना की मशहूर डुंगरा ग्राम स्थित जेल, 11 कमरों की इस जेल के अब खंडहर ही शेष बचे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बचड़ शिवपट्टी का डुंगरा गांव। यहां पहुंचने के लिए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खांखरा कस्बे से कांडई कमोल्डी मोलखाल मोटर मार्ग पर डुंगरा गांव तक पहुंचा जा सकता है। वर्तमान समय में यहां पर करीब 600 परिवार निवास करते हैं और इसी गांव में मौजूद है आजादी से पहले की जेल, जिसे यहां के मालगुजार संचालित करते थे। तत्कालीन समय में क्षेत्र देवलगढ़ परगना के अंतर्गत आता था, मगर अब ये रुद्रप्रयाग परगना के अंतर्गत है। आज भी इस कैद खाने की निशानियां यहां पर मौजूद हैं। किसी जमाने में ये किसी हवेली से कम नहीं थी, लेकिन आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार इस हवेली पर एक बड़ा गेट हुआ करता था, जो कि अब ध्वस्त हो चुका है। लोग बताते हैं कि तत्कालीन समय में टिहरी नरेश के द्वारा यहां के मालगुजार पर 1275 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया था। उसके पीछे का कारण ये था कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ऊंचा गेट टिहरी राज दरबार में हुआ करता था। इस कैद खाने में वैसे तो 11 कमरों की जेल थी, मगर संरक्षण के अभाव और परिवार की आवश्यकता के अनुसार इसके अन्य भागों को तोड़ दिया गया और अब महज 3 कैद खाने यहाँ पर मौजूद हैं। इसी कैद खाने के ऊपर एक दीवार हुआ करती थी, जिस पर बैठकर मालगुजार अपराधों को सुनाते थे और फिर सजा मुकर्रर होती थी। कैद खाने के भीतर जाने का एकमात्र छोटा सा दरवाजा हुआ करता था और इन कैद खानों में कहीं भी न तो खिड़कियां थी और न ही कहीं से हल्का सा भी प्रकाश आता था। इतिहास हमने सुना है यहाँ पे, अपने पूर्वजों से सुना है, जो हमारे यहाँ पे प्रधान दादा बोधा जी थे, वो हमें ये बताया करते थे कि जब ये राजाओं का जमाना हुआ करता था, राजाओं का राजाशाही चला करते थे, तो हम लोग यहाँ पर प्रधान के तौर पे रहा करते थे और हम अपने हिसाब से अपना काम करते थे। अपना किसी को जुर्म देना या अपने गाँव वालों से कैसे काम लेना, क्या करवाना है हमको, ये सरकार की तरफ से ये वो था कि उनको जो है सजा देनी है। सजा का भी जिस तरीके की, जो जितनी जो गलती करेगा, कम गलती करेगा तो कम सजा, ज्यादा गलती करेगा ज्यादा सजा। यहाँ पर हर प्रकार के आरोपों के लिए सजा सुनाई जाती थी और उसके अलग प्रावधान थे। कुछ को शारीरिक श्रम दिया जाता था, जिसके लिए यहाँ पर एक बड़ा पत्थर शिलाखंड भी है। इस खंड पर 19 ओखलियाँ और 3 चराटे आज भी मौजूद हैं। बताया जाता है कि आरोपियों से पहले तो पत्थर पर ओखली खुदवाई जाती थी और फिर गाँव के ग्रामीणों का अनाज इन कैदियों को पीसने के लिए दिया जाता था। जहाँ तक मुझे पूर्वजों की के अनुसार जानकारी मिली थी कि इसमें एक नील, गढ़वाली में बोलते हैं नील गेनू को बोलते थे, मतलब एक मोटा सा चीड़ के पेड़ का एक लकड़ी हुआ करता था, तो उसमें ज्यादा जो जितना बड़ा अपराधी होता था उसे बांध दिया जाता था उसको। वहीं गांव के प्रधान कहते हैं कि इस कैद खाने के बारे में उन्होंने भी अपने बुजुर्गों से सुना है। अब इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है कि ये ऐतिहासिक धरोहर जिंदा रह पाए। जानकारी सर हमें इतनी है नहीं, क्योंकि हम तो अभी बच्चे हैं, पर हमें तो थोड़ा बहुत लोगों से सुन के या बुजुर्गों से सुन के यही जानकारी मिली है कि यहाँ पे जेल थी। मैं तो यही चाहूँगा कि ये जो पुराने चीज़ें हमारे पूर्वजों ने बनाई है, इसे हम जिंदा रखें। भले ही जुल्म के इस कैद खाने ने सजाओं की कई इबारतें लिखी हों, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कैद खाने के भीतर जाकर एहसास होता है, उससे तो साफ है कि गुलामी के दौरान की सजाएं उतनी खतरनाक होती थी। आज सरकार को चाहिए कि इन धरोहरों को संरक्षित किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी समझ पाए कि गुलामी की दास्तां आखिर क्या थी। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।